जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या आपस में रिलेशन होता है, ये हम सीखने जा रहे हैं। वैसे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में जो रिलेशन होता है, अगर आप उसी तर्ज पे बात करें तो फोर्स और मोमेंटम में जो रिलेशन होता था वही टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में होगा। फोर्स इज इक्वल होता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है डीपी बाई डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टॉर्क जो आएगा वो आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे। सपोज करिए कि एक बॉडी है और इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो R क्रॉस P ऐसा दिया जाता है। R क्रॉस P एंगुलर मोमेंटम होगा। अब अगर हम इसके एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर लें, dl अपॉन dt करें, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ R क्रॉस P। अब R क्रॉस P का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटू सॉरी पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे R क्रॉस डीपी अपॉन डीटी प्लस डीआर अपॉन डीटी क्रॉस पी। यह आएगा, यह हो जाएगा डीएल अपॉन डीटी। डीएल अपॉन डीटी की यह वैल्यू आ जाएगी। अब डीएल अपॉन डीटी की यह वैल्यू आ गई। अब थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो दो टर्म आ रहे हैं, ये दो जो टर्म्स आ रहे हैं, इन दोनों में एक टर्म जीरो होगा। दो टर्म जो आ रहे हैं, एक ये वाला, इसमें से एक जीरो होगा। तो वो कौन सा जीरो होगा और क्यों जीरो होगा? ये वाला जीरो होगा। रीजन क्यों भाई? सर्कुलर मोशन तो हमने कहीं नहीं बोला यहाँ पे कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, और वैसे भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, तो आर वेक्टर है ना, डायरेक्शन बदल रहा हो मान लो। वैसे तो डिस्टेंस हमने कभी बोला ही नहीं कि कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल गलत बात होगी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इस वजह से ये जीरो होगा। दो टर्म्स में से एक जीरो होगा, तो उसकी वजह बताओ फटाफट सोच के। चलो अच्छा, मैं और डेफिनेट बोल देता हूँ, यही जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? अच्छा वो तो पता ही था क्या तुम्हें, आर क्रॉस एफ एफ के हिसाब से, ठीक है? ये क्यों जीरो होगा? तो बहुत बहुत सिंपल सी बात है, आसानी से सोच सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं, dr by dt वेलोसिटी है और p जो है ये भी वेलोसिटी है, p बराबर mv, तो वेलोसिटी और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। v क्रॉस v जीरो के बराबर आ जाएगा, तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा, ये जीरो के बराबर जाएगा। और dp by dt जो है वो f हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया? r क्रॉस f। और r क्रॉस f किसके बराबर हो गया? टाउ के बराबर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं और दावे के साथ बोल सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू सॉरी टाउ इज इक्वल टू वेक्टर, टाउ इज इक्वल टू डीएल अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में ये रिलेशन आ जाता है। तो हमने आपको सिखा दिया कि किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किसी एक्सिस के अबाउट किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? तो किसी भी एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ ए रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस। रिजिड बॉडी का गिवन एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर भी देखें, जैसे उसी तर्ज पे अगर हम देखें तो अगर मोमेंटम पी बराबर एम वी था तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल हो जाएगा आई ओमेगा। एम की जगह आई आ जाएगा, वी की जगह ओमेगा आ जाएगा। तो अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, सपोज करो ये रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मान लो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना वेक्टर एल, वो आ जाएगा आई वेक्टर ओमेगा। जैसे पी इज इक्वल टू एम बी होता था, वैसे एल आई ओमेगा के बराबर जाएगा। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको, यहां तक नोट करें सब लोग। L जो है वो आई ओमेगा के बराबर हो गया। इसका प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा पार्टिकल ले लेता हूं जिसका मास m1 है
और इसका रेडियस आर वन है और ये सर्कल में घूम रहा है। एम वन मास का पार्टिकल है, आर रेडियस, आर वन रेडियस है और ये सर्कल में घूम रहा है और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ये होगा। अब अगर इस सर्कल को थोड़ा ध्यान से देखा जाए, इस सर्कल के अंदर अगर इस पार्टिकल का मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो देखो इसकी वेलोसिटी वी वन ऐसे होगी, रेडियस आर वन ऐसे होगा और हम अगर इसका एंगुलर मोमेंटम लिखें तो आर क्रॉस पी होता है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वह आ जाएगा आर वन क्रॉस एम वी वन और ये बराबर हो जाएगा आर वन क्रॉस एम वी वन, ये आर क्रॉस पी होता है, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आर वन क्रॉस एम वी वन। और थोड़ा सा अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, सिर्फ वैल्यू निकालें तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आर वन इंटू एम वी वन और वी वन की जगह लिख सकते हैं ओमेगा आर वन, तो ये हो जाएगा एम आर वन स्क्वायर ओमेगा। ये एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब अगर हम पूरे सिस्टम का निकालना चाहें तो एम आर टू स्क्वायर ओमेगा आर थ्री स्क्वायर ओमेगा ऐसे चला जाएगा और ये एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा एल। अब वेक्टर लगा दें तो एल और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होगा तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा, इस तरह से आ गया। इसको नोट कर लें आप लोग, तो एंगुलर मोमेंटम एल जो है उसको हम आई ओमेगा के बराबर लिख सकते हैं एक्सिस के अबाउट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसके कंजर्वेशन का लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको पता लगाना है कि क्या है तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ क्या था कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो भी उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो अब कैसे हम लोग इस लॉ तक पहुंचेंगे, इस लॉ तक हम ऐसे पहुंचेंगे कि टाउ इज इक्वल टू होता है डीएल अपॉन डीटी, तो डीएल जो आएगा वो टाउ डीटी हो जाएगा। ये टाउ एक्सटर्नल है, टाउ एक्सटर्नल नेट है, मतलब ये कोई फोर्स नहीं, जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं टॉर्क लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम है, तो ये टाउ एक्सटर्नल डीटी ये है। अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि ये टाउ एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही हो जाएगा और फिर उस समय डीएल जीरो हो जाएगा। डीएल जीरो होने का मतलब एल कांस्टेंट, अगर डीएक्स जीरो है इसका मतलब एक्स कांस्टेंट है, डीपी जीरो है इसका मतलब पी कांस्टेंट है, तो डीएल जीरो है तो इसका मतलब एल कांस्टेंट हो जाएगा, एल कांस्टेंट हो जाएगा, तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, डीएल अगर जीरो कर टाउ एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो डीएल जीरो हो जाएगा, डीएल जीरो होने का मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। थोड़ा सा और सुने इसको, अभी समझें इसको और बात इसमें। सपोज कर लीजिए कि टाउ एक्सटर्नल जीरो नहीं है, टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू फाइनाइट है लेकिन टाइम ऑफ इवेंट स्मॉल है, घटना का समय बहुत छोटा है, तो अगर टाइम ऑफ इवेंट बहुत स्मॉल है तो जैसे डीटी जीरो होगा, ये कि मान लो 100 200 500 है भी और ये जीरो हो गया तो भी डीएल जीरो हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह जाएगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तब तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता ही रहता है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क फाइनाइट है और टाइम ऑफ इवेंट स्मॉल है इवन इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो अब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ जो लिखने जा रहे हैं, लॉ ये है इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क acting on a system is zero, net external torque acting on a system is zero, then the angular momentum of the system, angular momentum of the system remains conserved if the net external torque acting on a system is zero, then the angular momentum of the system remains conserved. अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात इसी के अंदर,
दूसरी बात भी समझनी है कि अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो नहीं है, फाइनाइट है और डीटी जीरो है, टाइम ऑफ इवेंट स्मॉल है, इवन इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसमें अगला जो पॉइंट है और के साथ, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज फाइनाइट, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज फाइनाइट, बट टाइम ऑफ इवेंट इज स्मॉल, टाइम ऑफ इवेंट इज स्मॉल, टाइम ऑफ इवेंट इज स्मॉल, देन ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम, देन ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। फिर से मैं बोल समझा देता हूं आपको, टाउ एक्सटर्नल जीरो है, तो अगर टाउ एक्सटर्नल जीरो होगा तो डीएल जीरो होगा, डीएल जीरो का मतलब एल कांस्टेंट होगा, इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर आएंगे। तो वही मैंने लिख दिया, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, कंजर्व का मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू बराबर होगी। अब मान लो ऐसा नहीं है, मान लो एक्सटर्नल टॉर्क फाइनाइट है लेकिन जो टाइम ऑफ डीटी जीरो हो गया, ये जीरो नहीं है लेकिन ये जीरो हो गया, तो अब इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज फाइनाइट बट टाइम ऑफ इवेंट इज स्मॉल, देन ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो दो तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह सकता है। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ है, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल थे, उसी तरह से एंगुलर, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा सब लोगों ने, तो उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रियल लाइफ में, असली जिंदगी में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो एग्जाम्पल्स मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो धरती का टेम्परेचर, पूरी धरती का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए या 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो धरती का जो टाइम ऑफ रोटेशन है, जो उसका घूमने का समय है, उस पर क्या असर पड़ेगा। सपोज करो धरती का टेम्परेचर मैंने 10 नहीं मान लो 5 डिग्री बढ़ा दिया, पूरी धरती का पोल से लेके यहां तक हर जगह टेम्परेचर बढ़ गया, तो धरती का एक्सिस के बाद घूमने का समय जो 24 घंटा है उस पर क्या असर पड़ेगा, 25 हो जाएगा या मतलब घट जाएगा या 23 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या असर पड़ेगा, कुछ इस बारे में कमेंट कर सकते हो। अगर धरती का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो धरती के रोटेशन के टाइम पे क्या असर पड़ेगा, घूमने के समय पे क्या असर पड़ेगा, हिंदू कुछ, धरती का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पोल्स हैं उन पे बर्फ पिघल जाएगी, आइस पिघलेगी, अब सोचो थोड़ा, अब थोड़ा सोचो, अगर धरती का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पोल्स जो है वहां पे बर्फ पिघलेगी। चलो देखो इधर आ जाओ, इधर देखो, हाँ मोमेंटम नीचे बढ़ जाएगा, अगर आप धरती का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो खूब सारी बर्फ है यहां पे और यहां पे बहुत ज्यादा बर्फ है और ये बर्फ, हाँ अब ये बर्फ पिघल जाएगी पूरी, ये बर्फ पिघलेगी, तो पिघलने के बाद ये जो बर्फ होगी वो ऐसे जाएगी इक्वेटर की तरफ, पानी बनेगा, पानी बढ़ेगा, रोटेशन हो ही रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, तो अब जो मास है वो एक्सिस से दूर जा रहा है, अगर मास एक्सिस से दूर जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनिशिया की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हम ये जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है जो कि कांस्टेंट होगा, भाई धरती पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा नहीं रहे, तो अब मोमेंट ऑफ इनिशिया अगर बढ़ गया तो ओमेगा की वैल्यू घट जाएगी, ओमेगा की वैल्यू घट जाएगी यानी धरती धीरे धीरे और धीरे घूमेगी, पहले से बहुत धीरे घूम रही है और ज्यादा धीरे धीरे घूमेगी, तो जो टाइम ऑफ रोटेशन है वो बढ़ जाएगा ना, ओमेगा घटा धीरे धीरे घूमेगी तो जो उसका टाइम ऑफ रोटेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल इसका आता है, एक रशियन डांस होता है बेले डांस, देखा होगा आप सब लोगों ने, तो रशियन डांस जो बेले डांस होता है उसमें बड़ा कठिन डांस होता है, उसमें एक पैर के ऊपर क्या होता है, पैर क्या बल्कि एक अंगूठे के ऊपर जो डांसर होती है वो डांस करती है, देखा है आप लोगों ने बेले डांस, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है मैं थोड़ा सा आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो ये है डांसर, ठीक है,
तो ये डांसर क्या करती है, इस डांसर को रोटेट करना होता है, जितना तेजी से घूमेगी उतना ज्यादा लोगों को अच्छा लगा भाई डांस बढ़िया हो रहा है। या कभी कभी तो कभी तुमने देखा होगा इस डांसर को कि डांस करते करते अचानक से ऐसे वो हाथ ऐसे बाहर निकालेगी। जब हाथ बाहर निकालेगी उस बात को अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो धीरे धीरे घूमने लगी। जैसे ही हाथ बाहर निकालेगी उसका स्पीड कम हो जाएगा रोटेशन का, और उसको बहुत तेज घूमना होगा, मान लो बहुत तेजी से घूमना होगा तो क्या करेगी, हाथ ऐसे करके ऐसे कर लेगी, एकदम ऐसे कर लेगी, पूरा एकदम बॉडी को सिकोड़ लेगी। तो जैसे ही बॉडी को सिकोड़ लेगी बहुत तेजी से भन भन घूमने लगेगी, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, बॉडी को एकदम उसने पास कर लिया, पास कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, घट गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गई तो ओमेगा एकदम से बढ़ जाएगा, या अगर उसने हाथ ऐसे बाहर कर दिया तो आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो ओमेगा की वैल्यू घट जाएगी, तो फिर वो धीरे धीरे घूमने लग जाएगी। तो ये इसमें वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल वो डांसर करती है। ऐसा नहीं कि उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, उसने उसका इस्तेमाल किया है, मतलब उसको यूज करना उसे आता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कि पहले पढ़ाई कराई गई होगी फिर उसके बाद डांस सिखाया गया होगा। डांस तो एक आर्ट है, और भी इसका इस्तेमाल होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है इसका, एक गेम होता है ओलंपिक में, ये जो गेम होता है इसको डाइविंग का गेम कहते हैं। एक स्विमिंग पूल में एक आदमी बहुत ऊंचाई से कूद जाता है, ठीक है, यहां पे खड़ा रहेगा ये आदमी, ऊंचाई से स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाएगा, और उसमें क्या होता है कि हार जीत का फैसला कैसे होता है, ये किसी को याद है? एक होता क्या है, ऊंचाई होगी, ऊंचाई पे ऐसे थोड़ी देर पहले तो प्लेटफॉर्म पे जंप लगेगा, फिर जमीन में कूद, पानी में कूद जाएगा। तो इसमें किस बेसिस पे इसको पॉइंट्स मिलते हैं, हवा में कितने राउंड घूमेगा वो, जितने ज्यादा 16 राउंड नहीं, जैसे भी हो ऐसे 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 घूमता है, इस तरह से 16 राउंड घूमेगा कि 17 राउंड घूमेगा कि 17.5 राउंड, ऐसे करके उसमें पॉइंट्स होते हैं। तो अब इसमें ये जो मतलब डाइवर है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है मैं बता रहा हूँ। पहले तो क्या करेगा, थोड़ी देर ऐसे 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 करेगा, माहौल बनाएगा, ठीक है, उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ऐसे ऐसे करेगा, फिर अचानक से क्या करता है वो, रिप्ले में देखोगे तो आपको बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की फील आएगी। अचानक से क्या करेगा वो, ऊपर जब जाएगा तो ऊपर जाने के बाद जब एकदम नीचे पहुंचेगा तो अपनी बॉडी को टेढ़ा कर लेगा, ऐसे टेढ़ा करने की वजह क्या है, जो नॉर्मल है उसका अच्छा खासा टॉर्क आ जाए। अगर मैं ऐसे सीधे रहूंगा तो नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से जाएगा तो टॉर्क कम आएगा, एकदम से जब प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो अपनी बॉडी को टेढ़ा करेगा, टेढ़ा करेगा तो यहां से नॉर्मल में उसको बढ़िया टॉर्क मिल जाएगा, बढ़िया टॉर्क मिलेगा तो घूमना चालू करेगा, और जैसे ही वो घूमना चालू करेगा, जैसे ही हवा में आता है, आते ही तुरंत अपना पूरा शरीर सिकोड़ लेता है, सर पैर पूरा एकदम मिला के गठरी बन जाता है, ठीक है। तो उसका उसकी वजह समझ गए होगे क्या, तो जैसे ही एकदम गठरी टाइप में थर्ड पैर को मिला लेगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो जाएगा, वो तेजी से घूमने लगेगा और बाद में जमीन में गिर जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल होता है। बचपने में मैं ये समझता था कि पानी के डर से ऐसे कर लेता है, मतलब मेरे दिमाग में यही परसेप्शन था कि डर के मारे बेचारा ऐसे कर लेता है और नीचे पहुंच जाता है, पानी में चोट कम लगेगी उसको, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन बाद में जब मैंने पढ़ा तो ये पता चला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से खूब ज्यादा घूमेगा, जितना ज्यादा घूमेगा उतने ज्यादा उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर आप आई बढ़ाओगे तो ओमेगा घट जाएगा, या आई घटाओगे तो ओमेगा बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म का जो मास है वो कैपिटल एम है, और ये प्लेटफॉर्म वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, और ये लड़के का मास स्मॉल एम है। अचानक से क्या होता है कि ये लड़का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने लगता है, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लड़का चलने लगता है, पहले पूरा सिस्टम रुका हुआ था, फिर अचानक से लड़का प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने लगता है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, मैं बोलता हूँ द बॉय, लिख दे रहा हूं मैं, स्टार्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी द बॉय स्टार्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी वी नॉट रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी डी ऑफ वाई। लड़का प्लेटफॉर्म पे
प्लेट पर सब कुछ पहले रुका हुआ था, अचानक से लड़का प्लेटफॉर्म पे वी नॉट वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म के रिलेटिव चलना चालू कर देता है अलोंग द सर्कमफ्रेंस। ये ध्यान रहे, अब ये मत सोचना कि ऐसे भागने लगता है अंदर की तरफ, सर्कमफ्रेंस के अलोंग वी नॉट वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म के रिलेटिव चलना स्टार्ट कर देता है। द बॉय स्टार्ट्स मूविंग वेलोसिटी वी नॉट रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉय, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। लड़के का मास स्मॉल एम है, प्लेटफॉर्म का मास कैपिटल है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या है कि ये लड़का प्लेटफॉर्म के रिलेटिव वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर ये प्लेटफॉर्म के रिलेटिव वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है तो ग्राउंड के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी वी नॉट थोड़ी होगी, ये तो प्लेटफॉर्म के रिलेटिव होगी। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि ये प्लेटफॉर्म मतलब ग्राउंड के फ्रेम में ये वी वन से जा रहा है और जो प्लेटफॉर्म है वो ओमेगा से उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है। जब ये लड़का आगे भागेगा तो इस पे फोर्स आगे लगेगा, तो प्लेटफॉर्म पे पीछे लगेगा, तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब इस सिस्टम का जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो तो जीरो है, इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पे था। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखें तो ये लड़का जो है, लड़के की जो वेलोसिटी है उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे यहां से परपेंडिकुलर जाएंगे तो रेडियस के बराबर आएगा, तो लड़के का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी वन आर। और प्लेटफॉर्म का, जैसे लड़का अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लेटफॉर्म क्लॉकवाइज जाएगा, तो प्लेटफॉर्म का हो जाएगा आई ओमेगा, डिस्क मानेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, ये हो गया, इसको हम जीरो के बराबर बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक आर से एक आर चला जाएगा और वी वन की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम आर अपॉन कैपिटल एम आर ओमेगा अपॉन ट्वाइस ऑफ द स्पॉन एम, कैपिटल एम आर ओमेगा अपॉन ट्वाइस ऑफ द स्मॉल एम, ये वी वन की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम आर ओमेगा अपॉन ट्वाइस ऑफ द स्मॉल एम, ये आ गया वी वन की वैल्यू, लेकिन हमें ओमेगा चाहिए और वी वन भी नहीं पता है। तो अब देखो इसके अंदर ये बोला है कि प्लेटफॉर्म के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, तो जिस जगह पे खड़ा है रिलेटिव तो वहीं से नापेंगे। तो अब जैसे लड़का आगे वी वन से जा रहा है तो जिस जगह पे लड़का है वो ओमेगा आर से पीछे आ रहा होगा वो पॉइंट, जैसे लड़का V1 से आगे जा रहा है तो प्लेटफॉर्म ओमेगा आर से पीछे जा रहा होगा, तो जिस जगह लड़का खड़ा है वहां की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो V1 प्लस ओमेगा आर होगी, एक आगे एक पीछे तो रिलेटिव जुड़ जाता है, तो V1 प्लस ओमेगा आर जो है वो V0 के बराबर आ जाएगा, V1 प्लस ओमेगा आर V0 के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो V1 यहां से रिप्लेस कर देता हूं, तो यहां से मैं रिप्लेस करूंगा अगर V1, तो V1 की जगह आ जाएगा V0 माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू कैपिटल एम ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ द स्मॉल एम, ये आ जाएगा, तो वी नॉट इज इक्वल हो जाएगा आर कॉमन हो गया, ओमेगा आर कॉमन हो गया, इनफैक्ट ओमेगा आर ही कॉमन हो गया, ये हो जाएगा वन प्लस कैपिटल एम अपॉन ट्वाइस ऑफ द स्मॉल एम, ये आ गया, या ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अपॉन आर वन प्लस कैपिटल एम अपॉन ट्वाइस ऑफ द स्मॉल, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं, इसके अंदर ये लड़का वी वन एंगुलर वी वन वेलोसिटी से भाग रहा है, प्लेटफॉर्म ओमेगा से पीछे की तरफ जाएगा, तो ये वी वन इधर हो गया, ये ओमेगा आर से पीछे आएगा, तो वी वन प्लस ओमेगा आर वी नॉट के बराबर जाएगा, एक बात ये आ जाएगी। और दूसरा, इसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी वन आर और फाइनल होगा माइनस आई ओमेगा, ये जीरो के बराबर जाएगा, तो यहां से वी वन का एक एक एंगुलर मोमेंटम आ गया और एक जो रिलेटिव का कंसेप्ट था, दोनों को सॉल्व करके इस तरह से हम लोग जो वी वन है उसकी ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक देखिए और सवाल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का है कि एक ये रॉड है, रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, रॉड का मास एम है, रॉड की लंबाई एल है, ठीक है, रॉड का मास एम है, रॉड की लंबाई एल है, और एक एम मास का पार्टिकल जो है ये v नॉट वेलोसिटी से रॉड की तरफ आ रहा है, इसका मास भी m है, रॉड का मास भी स्मॉल m है, दोनों का मास स्मॉल m है और रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, द पार्टिकल स्ट्राइक्स, द पार्टिकल स्ट्राइक्स वन एंड ऑफ द रॉड as shown and sticks to it,
The body that strikes one end of the rod as shown and it sticks to it, find the angular velocity of rod. Find the angular velocity of a rod just after the event. जाके टकराया चिपक गया. चिपकने के तुरंत बाद रॉड की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है आपको. ठीक है, तो ये रॉड का मास भी है, पार्टिकल का मास भी है, ये आके इसे टक्कर मारता है, टकराने के बाद चिपक जाता है. तो आपको बताना है कि रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इस घटना के तुरंत बाद. देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. अगर मैं इस घटना के कोलिजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद की सिचुएशन देखूं, तो जस्ट पहले की सिचुएशन तो ये है, जस्ट बाद के बाद क्या हुआ, ये पार्टिकल जाके इसे स्टिक कर गया. हाँ, इससे जाके अगर इससे स्टिक कर गया यहां पर, तो इस पूरे सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी मैंने ओमेगा मान ली. अब कोलिजन के जस्ट पहले जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं, तो वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई एल हो जाएगी. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी नॉट एल. ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आएगा. फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, अगर हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखें, तो फाइनल जो आएगा वो ऐसे आएगा कि भाई फाइनली क्या इसे जाके चिपक गया, अभी पूरा का पूरा एक रिजिड बॉडी हो गया. तो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, तो आई ओमेगा हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी एम एल स्क्वायर बाई 3. तो रॉड की होगी और पार्टिकल की हो जाएगी एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब हिंज के बाहर देखा जाए तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा है. एम जी लगेगा, वो यहीं से जाएगा, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, इंटरनल टॉर्क होगा. तो हिंज के बाहर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एल आई इज इक्वल टू एल एफ हो जाएगा. इनिशियल और फाइनल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बराबर जाएंगे. एम वी नॉट एल इज इक्वल टू 4/3 एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाएगा. एम से एम चला गया, एल से एल चला गया, ओमेगा किसके बराबर जाएगा, 3v0/4 ओमेगा की वैल्यू जाएगी. तो इस एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड रोटेट करेगी.